सागर से शशिकांत ढिमोले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट पत्रिका टीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तमाम मुद्दों दावों और वादों के बीच सागर लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं की क्या है राय, आइए जानते हैं। पता है कि लोकसभा चुनाव में जो उम्मीदवार खड़े होने वाले हैं उन्हें यह तय करना होगा कि वे प्राथमिक रूप से महिलाओं की समस्याओं को दूर करने का उपाय करेंगे। मुख्य रूप से जैसे पेयजल की समस्या, सुविधा घरों की कमी की समस्या और विशेष रूप से संभागीय मुख्यालय में आने वाली महिलाओं के ठहरने के लिए सुरक्षित स्थान का जो अभाव है उसे दूर करने का उन्हें प्रयास करना होगा। मौजूदा सांसद श्री लक्ष्मण यादव जी का कार्यकाल बेहतरीन रहा। उन्होंने अपने कार्यकाल में कई बार सागर की आवाज संसद में उठाई, कई प्रश्न किए और इन 5 सालों में उन्हें कोई भ्रष्टाचार का दाग नहीं लगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा 5 साल बेमिसाल। मौजूदा सांसद जो है लक्ष्मण दादा जी, उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा, वरिष्ठ है और उन्होंने काफ़ी अच्छे 5 साल में कार्य भी किए हैं। लेकिन इस सागर के युवाओं की जो सोच है उसको देखते हुए यहाँ का सांसद जो एक प्रकार से यंग होना चाहिए, युवा होना चाहिए। अगर युवा होगा तो उसकी सोच भी बड़ी होगी, सोच भी बड़ी होगी, कई क्षेत्रों में वो कार्य करेगा। जैसे हमारे यहाँ शिक्षा के क्षेत्रों में अभी थोड़ा सा काम कम हुआ है लेकिन वो उसको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे उसमें। यहाँ का सांसद थोड़ा एक्टिव होनी चाहिए ताकि यहाँ के बेरोजगार महिलाओं को रोजगार मिले और उनकी सुरक्षा के लिए भी कुछ कदम उठाए और सागर के विकास के लिए, जैसे इतनी सुंदर झील है उसके विकास के लिए भी कुछ करना चाहिए, उसके सौंदर्यीकरण। उसमें जनप्रतिनिधि को सबसे पहले स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार दिलाने का अवसर मुहैया कराना चाहिए। दूसरी बात, लोकसभा चुनाव रेल मंत्रालय से संबंध है तो बीना में रेल सुविधाओं का अभाव है। मात्र रेलवे की मेहरबानी से जो सुविधाएं मिल जाती है वही तो मिलती, जनप्रतिनिधि इसके लिए क्या प्रयास नहीं करता। शताब्दी जैसी एक्सप्रेस धौलपुर और ललितपुर में खड़ी हो रही है, बीना में उसका स्टॉपेज नहीं है। तो बड़ी बड़ी गाड़ियों के स्टॉपेज और केंद्र सरकार की जो योजना है उनमें बेरोजगारों के लिए रोजगार उपलब्ध कराएं, ये सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी। ये थी मतदाताओं की राय और क्षेत्र का हाल जानने के बाद हमने सांसद जी के 5 सालों के परफॉर्मेंस को लेकर पब्लिक सिग्नल तैयार किया है। इस सिग्नल में हमने 3 पैमाने दिए हैं। ग्रीन सिग्नल यानी सुरक्षित, येलो यानी मेहनत की जरूरत है और रेड सिग्नल यानी खतरे में सांसद जी। तो आइए देखते हैं सागर सांसद का पब्लिक सिग्नल। क्षेत्र की जनता जनार्दन ने सांसद लक्ष्मी नारायण यादव को रेड सिग्नल दे दिया है। ये तो रहा सागर संसदीय क्षेत्र का हाल। अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे किसी और संसदीय सीट के रिपोर्ट कार्ड के साथ। फिलहाल दिल्ली के दावेदार में इतना ही। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए पत्रिका टीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।